वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं अपना वर्कआउट रेजिस्टेंस बैंड के थ्रू, बिकॉज आप सब लोगों को पता है लॉकडाउन का टाइम है, सारे के सारे जिम बंद है, इवन सैटरडे संडे में भी कर्फ्यू है, तो आप बाहर नहीं जा सकते। उसके लिए मैंने क्या किया, बिकॉज अगर आप जिम का सारा सामान भी बाहर से ऑर्डर करते हो तो वो आपको काफ़ी महंगा पड़ता है, तो हमने क्या किया, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में हमने कुछ रेजिस्टेंस बैंड ऑर्डर किए हैं। जो मैंने पर्टिकुलरली ऑर्डर किया है वो किया है डीकैथलॉन से, तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या ऑर्डर किया है। उसके थ्रू मैं आपको हर एक बॉडी पार्ट का, फुल बॉडी पार्ट का वर्कआउट ऐसे ऐसे करके दिखाने वाली हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे पास क्या क्या मैंने ऑर्डर किया अभी। तो जैसे चंदू भी सामान के पास बैठा हुआ है, इससे बच्चे भी घर पर रहकर ही ट्रेनिंग परफॉर्म कर सकते हैं, और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसे आप घर पे कहीं पर भी आराम से रख सकते हो और आराम से जो है इसका वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हो। ये बेसिकली हमने मंगाया है, हुपला है ये, इसके थ्रू आप अपना जो है एप्स का वर्कआउट अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। और ये कुछ पड़ा है मेरे को, कुछ 200-300 रुपये का पड़ा है उसके ऊपर से। ये है हमारा 45 केजीज का जो चंदू के हाथ में है अभी, ये 45 केजीज रेजिस्टेंस है इसके अंदर, और इसके थ्रू आप अपने डेडलिफ्ट और सारे के सारे वर्कआउट परफॉर्म कर सकते हो, जो कि मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ये मैंने डीकैथलॉन की साइट से ऑर्डर किया है, ये येलो वाला है, ये 25 केजीज का है बेसिकली। इसके थ्रू भी हम सारे के सारे जिन लोगों को जो थोड़े बिगनर हैं या थोड़े मीडियम लेवल पे वर्कआउट कर रहे हैं उससे हम वर्कआउट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और हमारे पास स्किपिंग रोप है, और एक ये हमने ऑर्डर किया है, इसके थ्रू भी हम अपना एजिलिटी का जो है वर्कआउट परफॉर्म करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम मैं आपको दिखाने वाली हूँ इन रेजिस्टेंस बैंड के थ्रू आप वर्कआउट कैसे परफॉर्म कर सकते हो घर पर रहकर ही, और ये अफोर्डेबल भी है प्राइस में, तो आप इसे आराम से अपने घर पे मंगा भी सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, आज हम करेंगे फुल बॉडी वर्कआउट इन रेजिस्टेंस बैंड के थ्रू। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो किसी भी वर्कआउट को स्टार्ट करने से पहले सबसे ज़रूरी होती है आपकी स्ट्रेचिंग, तो चलिए शुरू करते हैं हेड टू टो स्ट्रेचिंग। सबसे पहले अपने हेड को मूव करेंगे, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना वर्कआउट रेजिस्टेंस बैंड के थ्रू। अभी मैं पहले ले रही हूँ हल्की वाला रेजिस्टेंस बैंड, बिकॉज अभी हम स्टार्ट करने वाले, थोड़ा वार्म अप भी हो जाएगा और मेरे को आपको दिखाना भी कैसे वर्कआउट करते हैं इससे। तो बेसिकली सबसे पहले हम करेंगे अपना जो है बैक का वर्कआउट। बैक के वर्कआउट के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें डेडलिफ्ट परफॉर्म करनी है, तो वैसे ही आपको डेडलिफ्ट का स्टांस लेना होगा। अगर आपको डेडलिफ्ट नहीं पता कैसे करनी है तो आपको मेरे चैनल पर जाओ, वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डेडलिफ्ट का, जहाँ पर आपको पूरे फॉर्म एंड टेक्निक दिख जाएगी। तो आपको बेसिकली इसके करना है कम से कम 15-20 रैप, और इसको आप एडजस्ट करते हो अपने हिसाब से। अगर आपको लग रहा है हल्का है तो नीचे से पकड़ लो, अगर आपको लगता है भारी तो यहाँ से पकड़ लो, और वैसे ही हमें करना है तब तक। तो बिल्कुल पकड़ते हुए कम से कम करने हैं इसके आपको 25 रेपिटेशन। तो हमने परफॉर्म की इसके थ्रू डेडलिफ्ट, अभी मैं आपको इसे दिखाऊंगी कि आपको रोइंग कैसे करते हो, बेंट ओवर रोइंग। तो आपको क्या करना है, बेसिकली इसे कहीं फंसा लेना है ऐसे करके, ठीक है। और उसके बाद आपको अपने घर पे कोई डंडा वगैरह मिल जाएगा, उसके थ्रू आपको इसको फंसा के ऐसे, जैसे आपकी पास रोइंग की जो मशीन होती है, चलो साइड से दिखा दो, हाँ, जो आपके पास रोइंग की मशीन होती है उसका कुछ सेटअप भी ऐसा ही होता है बाकी, ठीक है। तो आपको बेसिकली कुछ अपने आपकी जो पटरी होगी, कुछ बैठने का होगा, आपको उसका इंतजाम करना पड़ेगा। बारबेल को ऐसे पकड़ना है, दोनों साइड से इक्वल होना चाहिए, जो मेरा आगे पीछे हो रहा है, तो दोनों साइड से इक्वल होगा, और फिर से पुल करना है।
करके दिखाई डेडलिफ्ट और बेंट ओवर रोज जो था हमारा बैक का वर्कआउट। अब मैं आपको उससे दिखाऊंगी कि आपको लेग्स का वर्कआउट कैसे परफॉर्म करना है। तो लेग्स के वर्कआउट के लिए बेसिकली आपको क्या करना है, देखो इसके अंदर ऐसे जाना है और इसको अपने यहाँ पे रखना है, जो आपको शोल्डर है उसके पास रखना है और सीधा ऐसे खड़ा होना है, ठीक है, ऐसे यहाँ से पकड़ना है। और हम करेंगे स्क्वाटिंग, ये आपको 25 केजीज का रेजिस्टेंस लेगा और आपको इसके थ्रू वैसे ही जैसे मैंने सिखाया है टेक्निक स्पोर्ट्स की वैसे ही करना है। वर्कआउट इससे कैसे करते हैं, अभी हमारे पास ये 45 केजीज का भी है बट अभी मेरे को लगता है कि मेरे को अभी 15 केजीज वाला भी मंगाना पड़ेगा, बिकॉज जब आप चेस्ट का वर्कआउट करते हो तो ये आपको काफ़ी हैवी फील होता है, तो शुरू में वार्म अप करने के लिए आपको वो जो है मंगाना पड़ेगा। तो ये डे के एप्सॉन से मैंने मंगाए हैं और आज मैंने खाली आपको थोड़ा बहुत बताया है, जिस्ट दिया है कि हम इनके थ्रू भी लॉकडाउन में अपने घर पर फिट कैसे रह सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हो, अपना हुपला है, स्किपिंग रोप है और ये अपना लेडर है हमारे पास, तो हम इसके थ्रू भी बहुत सारा वर्कआउट घर में करने वाले हैं। अगर आपको भी अफोर्डेबल जिम घर में ही परफॉर्म करना है विदाउट एनी वेट और वेट की फीलिंग लेनी है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और इस वीडियो को जो है अपने फ्रेंड्स और फैमिली जरूर शेयर करना सो दैट उन्हें भी थोड़ा बेनिफिट मिले। जो लोग गाँव में रहते हैं उन लोगों को भी पूरा बेनिफिट हमें देना चाहिए। सो अभी के अभी जो है सब्सक्राइब बटन हिट कर दो और जो बेल आइकन है साथ में उसे भी प्रेस कर दो और मैं आने वाली हूँ बहुत सारी वीडियो साथ इसके साथ। सो अंटिल देन बाय बाय, दिस इज शैली चिकारा साइनिंग ऑफ।